नहीं कर सकता मैं, जगाना है अरमान मुझे, सबको बता दूंगा एक दिन, छूना है आसमान मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पालीवाल कवि चौपाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हर सप्ताह मैं कहानी लेकर आता हूं और आज एक नई कहानी के साथ। ये कहानी अंकित नाम के किरदार की है, तो चलिए सुनिए। अंकित जो है एक धावक है जिसे दौड़ने का बड़ा शौक है, लेकिन हमेशा ही अपनी दौड़ को आधे में ही खत्म कर देता है। इसने कभी भी अपनी दौड़ में निरंतरता नहीं बनाई, लेकिन इस बार अंकित ने सोचा था कि इस बार वो दौड़ पूरी करेगा। अंकित ने 5000 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। अंकित भागता रहा, आधे रास्ते में पहुंचते ही अंकित थककर बुरी तरह से चूर हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं, क्योंकि अब वो भागने में असमर्थ था। अंकित कुछ देर रुका और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस दौड़ को चल के पार करूं। अंकित चलता रहा। आखिरी दौड़ पर वो पहुंच नहीं वाला था, लेकिन धड़ाम से वो गिरा। हौसला पूरी तरह से टूट गया था, अंकित से खिसका तक नहीं जा रहा था, लेकिन उसने प्रण कर लिया था कि मुझे ये रेस, ये दौड़ पूरी करनी है। फाइनली अंकित पूरी जान लगा के फिर से उठा और चलकर उसने दौड़ पूरी की। आज अंकित हार कर भी जीत गया था। ये कहानी मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों ये अंकित को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, हम सबके साथ भी यही है। हम स्टडी शुरू कर देते हैं, अध्ययन शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे बार बार डिसकंटिन्यू कर देते हैं। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन फाइनली होता क्या है कि हम उसको कंटिन्यूटी को तोड़ देते हैं, निरंतरता बना ही नहीं पाते हैं। तो मेरी आप सभी से इस समय पर यही गुजारिश है, इस कहानी से मैं यही आज बोलना चाहूंगा कि अपनी निरंतरता को बनाए रखें। आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, देखो खुद को समझाना अलग बात होती है, लेकिन पढ़ना एक अलग। आपको निरंतरता बनानी होगी और आपको पढ़ना होगा। मैं ये नहीं कहता आप 8 घंटे पढ़ें, लेकिन याद रखना लक्ष्य सामने है और लक्ष्य के पास जाना है तो मेहनत तो करनी होगी। और जैसा कि हर बार मैं कहता हूं कि हल होगा हर सवाल, आइए देखिए कवि चौपाल विद विशाल पालीवाल। अगर आप ये कहानी कवि चौपाल के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया उसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अगर आप ये कहानी कवि चौपाल के YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे खुद के नाम से, विशाल पालीवाल के नाम से एक Facebook पेज है, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।